देख चुके हैं, हीजे गोंगचेंग और इनकाई को मिलवा देता है, पर तभी वहाँ लूजिंग आ गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं लूजिंग ये सब ना देख ले, इसलिए हीचे उसे दीवार पे पुश करके कहता है, अब कभी भी दूसरे लड़कों को क्लोज मत जाना, मुझसे देखा नहीं चाहता, मेरा दिल दुखता है, और किस करने के लिए उसके क्लोज होता है तो वो रोक देती है। वो कहता है, अब मुझे कभी दर्द तो नहीं दोगी। वो हाँ करके भागने वाली थी, बट वो उसे रोके वियर्ड से स्माइल कर रहा था। इनफेक्ट कॉमिक ड्रॉ करने के लिए वो उसे ग्राफिक टैबलेट गिफ्ट देता है। लूजिंग पहले तो मना करती है, बट जब वो बताता है कि मुझे बहुत सारी सैलरी मिलती है, तो कहती है, तुमने मेरी जॉब छीन ली थी तो मैं इसे लेके जा रही हूँ। बट घर जाके खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसे हीचे के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। हीचे गोंगचेंग को क्लास में भेज देता है, जहाँ पे सिर्फ इनकाई थी, पर गोंगचेंग तो इनकाई से लूजिंग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने को बोल रहा था। लूजिंग एज ए थैंक यू हीचे के लिए कॉफी बना रही थी, बट उसे तभी कोई बुला के ले जाता है। इधर इनकाई क्लासमेट को डांट रही थी कि उन्होंने लूजिंग की कॉमिक की मैनुस्क्रिप्ट फाड़ के गलत किया, जो लूजिंग सुन लेती है और इनकाई से अपनी गलती की माफी मांग लेती है। इनकाई भी फिर से उसे अपने फ्रेंड बनाने के लिए मान जाती है, तो लूजिंग वही वाली कॉफी इनकाई को दे देती है। वो कॉफी पीने से इनकाई के लिप्स कलरफुल हो जाते हैं, जो कि बार बार धोने से भी छूट ही नहीं रहे थे, तो इनकाई को लगता है लूजिंग ने जानबूझ के कॉफी में कुछ मिलाया होगा। लूजिंग मना कर रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, बट इनकाई उससे गुस्सा होती है तो वो चली जाती है। हीजे भी लूजिंग को ही डांट रहा था, तो वो कहती है, तुम मुझसे लव नहीं करते, अगर तुम मुझे लव करते तो फिर कभी भी ऐसा नहीं सोचते, रियल में मैंने तो वो कॉफी तुम्हारे लिए बनाई थी, और रोते हुए चली जाती है। हीजे को रात में नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि स्टोरी लाइन बढ़ाने के लिए हीजे ने ही उस कॉफी में कलर मिला दिया था, और लूजिंग को सॉरी बोलकर कल टेनिस क्लास में मिलने बुलाता है। वो मिलने से मना कर देती है और गोंगचेंग को टेनिस के लिए मैसेज करती है। गोंगचेंग हाँ कर देता है। फिर वो जब अपने कपड़े चेंज करने चाहता है, तो हीजे अपने साथ इनकाई को भी लेके आ गया था, पर लूजिंग गुस्से में थी, इसलिए हीजे के बॉल मार देती है। फिर के इनकाई को भी गुस्सा आ जाता है, और वो दोनों गुस्से से टेनिस खेलने लगी थी। जब लूजिंग के बॉल लगती है तो हीजे को भी पेन होता है। इतने में गोंगचेंग भी आ जाता है। लूजिंग को जाते देख हीजे उसे समझा रहा था, बट वो कहती है, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, देन माइंड योर ओन बिजनेस, और चली जाती है। गोंगचेंग हीजे को फर्स्ट एड देकर कहता है, खुद ही लगा ले, मुझे तो ये सब आता नहीं है, चिंता मत कर, अब से मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। हीजे वाज लाइक, ओके ओके। गोंगचेंग को जो पता चलता है कि हीजे को ड्राइंग भी आती है, तो कुछ सोचने लगा था। नेक्स्ट क्लास में न्यू टीचर मिस्टर ही की एंट्री होती है, और वो लूजिंग को देख कहता है, अब से मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर हूँ, तो अब कोई भी मुझे तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने से नहीं रोक सकता। गोंगचेंग स्माइल कर रहा था, पर लूजिंग फिर भी हीजे को इग्नोर कर रही थी, तो कहता है, बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रूफ करूं कि मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूं। बट वो उसे दूर रहने की वार्निंग देकर चली जाती है। हीजे गोंगचेंग को बता रहा था कि उसे खड़ोस लूजिंग की जगह इनकाई को चूज करना चाहिए, क्योंकि वो काइंड एंड ब्यूटीफुल है। बट तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि लूजिंग को पीरियड्स हो रहे थे, तो हीजे जल्दी से उसके पास जाने लगा था। उस जगह का हुलिया हीजे को अपने बचपन के घर जैसा लग रहा था। तभी उसके हाथ में दर्द होने लगा था। इनफेक्ट लूजिंग के डैड उसे मार रहे थे, तो हीजे आकर उन्हें रोक देता है। डैड कहते हैं, अबे तू तो वही झूठा है जो खुद को सीईओ बोल रहा था। हीजे अपनी महंगी वॉच का शो ऑफ करता है, तो डैड उसकी सेवा करने लगे थे। हीजे कहता है, तुमने इसे मारा क्यों, पता है ये कौन है? ये मेरी, लूजिंग देख रही थी तो कहता है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, आगे से कभी से टच भी मत करना। तो डैड लूजिंग को कभी भी ना मारने का प्रॉमिस कर देते हैं। हीजे लूजिंग को अपने साथ ले जाता है। उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो कहता है, तुमने पीरियड्स के टाइम पे स्पाइसी क्यों खाया? वो कहती है, तुम साइको हो क्या, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हीजे को पेन में देख वो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहता है, मेरा दिल दुख रहा है, और फिर उसके हाथ की चोट पे बैंडेज लगा देता है। जब वो उसके क्लोज होता है तो पूछती है, तुम ये क्या करने वाले हो? वो कहता है, तुम्हारे गले पे चोट लगी है ना? वो पूछती है,
पर तुम्हें कैसे पता, जबकि मुझे भी नहीं पता चला। बट वो उसकी गर्दन पे बैंडेज लगाता है तो वो नर्वस हो रही थी। हिजे उससे उसके डैड के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मेरी मॉम डैड को अच्छा इंसान समझती हैं, जबकि वो ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं अब घर तो जा नहीं सकती, तो क्या आशा मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? हिजे कहता है ओके। अरे हाँ, तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती, बल्कि तुम मेरे सहारे गोंगचेंग के घर जाना चाहती हो, है ना? अब मैं तुम्हें घर नहीं होटल लेके जाऊंगा। हिजे के पेट में दर्द होता देख गोंगचेंग रीजन पूछता है, बट अब हिजे उसे समझाए कैसे कि ये पीरियड्स का पेन है। तो कहता है लड़कियां महान हैं, तुझे लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे हिजे अपने हाथों से खाना बनाता है, क्योंकि उसने ये न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लूजिंग के लिए बनाया था, ताकि वो स्पाइसी न खा ले। और तो और उसे ब्राउन शुगर वाटर भी दे जाता है। गोंगचेंग ने इनकाई को डिनर पे बुलाया था और उसे गिफ्ट देता है, जिसे देख इनकाई हैरान पर कहती है ये अजीब है बट क्यूट है। वो कहता है जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसे पिंच कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। लूजिन स्माइल करती जा रही थी और गिरने वाली थी, तभी हिजे उसका हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। वो ब्लश कर रही थी, बट हिजे कहता है तुमने ब्राउन शुगर वाटर क्यों नहीं पिया? और उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो उसे डांटता है। पेंटिंग क्लास में सब पेंटिंग बना रहे थे, लूजिन अकेली बैठी थी तो हिजे उसके पास जाता है। वो उसे बताती है कि मैंने बचपन से लेके बहुत मेहनत की, बट हर बार मेरे नाम लूजिंग की वजह से मैं फेल हो जाती हूँ। हिजे पेंटिंग बनाने वाले का नाम कवर कर देता है और फिर सारे स्टूडेंट्स को पेंटिंग को वोट देने को कहता है। सब स्टूडेंट्स वोट दे रहे थे, पर तभी हिजे देखता है कि वहाँ एक अनजान लड़की बैठी है। जिस पेंटिंग को सबसे कम वोट मिले थे वो इनकाई की निकलती है। सब हैरान थे और इनकाई सैड, और जिस पेंटिंग को सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो लूजिंग की थी, तो सब हैरान थे और फिर क्लैप करते हैं। तो लूजिंग खुश हो रही थी। जीरो इनकाई को समझाती है, बट वो सैड होके सुजित्सु से अपनी पेंटिंग के बारे में पूछने चली जाती है। तभी वही अनजान लड़की जो खुद का नाम वायलिन बता रही थी, सुजित्सु से अपने स्टमक पेन की मेडिसिन लेने आती है। हिजे ने लूजिंग का पेन नेम चेंज करके उसकी कॉमिक का कवर पेज बनवा दिया था, तो वो खुश होती है। आंटी आंटी नूडल्स लेके आती हैं और हिजे को लूजिंग का बॉयफ्रेंड समझ रही थी, तो वो दोनों एक साथ मना कर देते हैं। बट हिजे नोटिस करता है कि लूजिंग सैड है। फिर वो बताती है कि जब बचपन में मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो आंटी मुझे फ्री में नूडल्स खिला देती थी और कॉमिक बनाने के लिए भी मुझे मोटिवेट करती थी। हिजे को याद आता है बचपन में उसके पेरेंट्स लड़ते रहते थे, तो आंटी उसे फ्री नूडल्स देती थी और उसे कॉमिक बनाने के लिए मोटिवेट करती थी। जब हिजे को पता चलता है कि लूजिंग की मॉम को किडनी प्रॉब्लम है और लूजिंग अपनी किडनी अपनी मॉम को देने वाली है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है मैं तुम्हारी मॉम के लिए किडनी का बंदोबस्त कर दूंगा। और फिर गोंगचेंग से लूजिंग की हेल्प करने को बोल रहा था, वो भी भीख मांग के। वो लूजिंग को फोन करके बता रहा था कि गोंगचेंग किडनी में उसकी हेल्प करेगा, पर इनकाई को ये गलत फहमी हो जाती है कि गोंगचेंग लूजिंग की मॉम को अपनी किडनी देने वाला है, इसलिए वो उसे मना कर रही थी। बट वो बता देता है कि मैंने किडनी का अरेंजमेंट किया है, ना कि खुद की किडनी दे रहा हूँ। माना कि तुम्हारी लूजिंग से बनती नहीं, पर तुम मुझे लूजिंग की हेल्प करने से नहीं रोक सकती। और वो इनकाई से गुस्सा था, लूजिंग की मॉम का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, तो हिजे उसे कम्फर्ट करता है। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई मेरी इतनी हेल्प करेगा, और उसका थैंक यू करने के लिए उसे स्पाइसी खिलाने लाती है। बट हिजे तो उल्टा उसे भी स्पाइसी खाने से मना कर देता है और एक लिस्ट देता है जो काम लूजिंग को नहीं करने। पहला था गोंगचेंग के पीछे नहीं पड़ना, तो वो हंस पड़ती है। लूजिंग गोंगचेंग का थैंक यू करने आई थी और उसे बता रही थी कि वो अब गोंगचेंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, और हिजे की तरफ भी देखे जा रही थी। उसके जाने के बाद गोंगचेंग कहता है लूजिंग भी काफी क्यूट है। हिजे बस लाइक मैं लूजिंग को गोंगचेंग का ध्यान अपनी तरफ खींचने नहीं दूंगा। डॉक्टर बताते हैं कि लूजिंग की मॉम के ट्रांसप्लांट में कॉम्प्लिकेशन आ गए, इसलिए वो सैड थी। तो वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर लाइट ठीक करने जाता है, लूजिंग के हाथ पे गर्म सूप गिर गया था, तो वो भागकर जा उसके हाथ पे टैप चला देता है और फिर आइस पैक लगाने लगा था। लूजिंग थोड़ा हैरान थी कि उसे कैसे पता चल गया, जबकि हिजे तो दूर था। जब वो जाने लगा था तो वो अपना हाथ आग में करके देखती है और हिजे को भी हाथ में पेन होता है। लूजिंग को पिछले सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं, तो कहती है जब मुझे चोट लगती है तो तुम्हें भी क्यों दर्द होता है? बताओ
तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? वो कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है, तो वो उसके पीछे भाग के रोकती है। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें चोट लगने पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, सच में? तो तुम मेरी केयर क्यों करते हो? वो जाने लगता है तो लूजिंग एक बॉटल उठाकर अपने सिर पे मार लेती है और हीचे को भी दर्द होता है और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।